हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूं अभी टॉक में फैज भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शादाब भाई, खैरियत से हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह शादाब भाई। फैज भाई, अभी ये सेकंड वीडियो है अपना। जी भाई। और पिछली वीडियो में तो गुजरी बकरे दिखाए थे आपने। जी भाई। और इस वीडियो में कौन से बकरे दिखाने वाले भाई? इसके अंदर एक मेवाती है, एक सिरोही अजमेरा है, दो अपने सोजत में है। माशाल्लाह, तो ये राजस्थान की इतनी सारी ब्रीड है भाई, माशाल्लाह आपके यहाँ पर। आपकी मेन फेवरेट ब्रीड कौन सी है भाई? मेन तो फेवरेट मेरी गुजरी है। ओके। बहरहाल वजन में अच्छे थे बकरे, खूबसूरत, तो इस वजह से मैं इनको शौक कर रहा हूँ। ठीक है, तो गुजरी बकरे के अंदर क्या क्या खासियत दिखती है आपको? गुजरी बकरा मजबूत है, हाथ पैरों से सब में मजबूत रहता है, पलने में बढ़िया रहता है, हाइट में अच्छा रहता है भाई। लेकिन ये जो जैसे अपना ये कौन सा है? सिरोही है। सिरोही अजमेरा जिसे बोलते हैं। जी जी जी। तो ये भी उसी लेवल का ही बकरा? बिल्कुल 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 उसी ब्रीड में ही आता है देखा जाए तो। जी ठीक है, तोतापरी से स्टार्ट करते हैं अपन। जी भाई, क्या डिटेल पे है तोतापरी? तोतापरी अपना 39-40 हाइट पे है। 39-40 की हाइट है और बकरे को अभी बिल्कुल गंजा किया हुआ है आपने। जी भाई। थोड़े से बाल आएंगे तो इसका जो प्रिंट है, कलर है, और ज्यादा अच्छा दिखेगा। जी बिल्कुल साहब। ओके, और उसका वेट चेक किया ना आपने? वेट इसका तकरीबन है 80 किलो। 80 किलो ये अंदाज से बता रहे हैं? जी। ठीक है, तो कितने का सेल करना है भाई? ये भाई इसकी प्राइस अपन कॉल पे देंगे। सबका प्राइस जो है वो कॉल के ऊपर ही बताएंगे आप। जी। बकरे माशाल्लाह अच्छे हैं, गर्मी लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी भाई, तोतापरी को छोड़ दो आप। ठीक है, छाव में जाके खड़ा होगा सीधा। इसके बाद में ये माशाल्लाह फुल हाइट वाला बच्चा है। जी फाइज भाई, आपकी हाइट कितनी है? 6 फुट भाई यान। 6 फीट आपकी हाइट है, इसलिए इतना बड़ा बकरा माशाल्लाह बहुत छोटा लग रहा है आपके सामने। जी भाई, क्या हाइट है बकरे की वैसे? बकरे की 44 इंच हाइट है भाई। माशाल्लाह 44 की हाइट है। जी, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि 40 इंच का बकरा आप हाथ में पकड़ के खड़े हो। नहीं नहीं भाई, आप माशाल्लाह लंबे चौड़े हो। जी, हेल्थ अच्छी है माशाल्लाह। जी भाईजान, आप बकरे की डिटेल बता दो पूरी। आप बकरा 44 इंच हाइट पे है भाईजान, 6 दांत नए लगाए हैं अभी, तकरीबन 85-90 kg के तकरीबन अप्रोक्स वेट पे है। 85 से 90 किलो, तो ये तो उसके फ्रेम का ही वजन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बकरा आपने कब लिया था? ये बकरा मेरे को लिए हुए भाईजान हो गए 2.5-3 महीने। 2.5-3 महीने आपके पास हो गए। जी, और क्या वेट पे लिया था आपने? मेरे पास आया था 70-75 किलो पे। ओके, तो आप डाइट भी अच्छी दे रहे हैं बकरों को माशाल्लाह, इसलिए वेट गेन कर रहे हैं। और अभी तक क्या हुआ है कि पूरा सीजन जो भी खाया इसने आपके पास, तो ये गर्मी गर्मी खाया। जी, अभी अगर सर्दियों के अंदर अच्छा माल खाएगा जी, तो 2-3 महीने बाद रिजल्ट बहुत अलग ही आएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। क्या अंदाज है आपका, कहाँ तक जाना चाहिए इंशाल्लाह? इसको 100 पार करने का इरादा अपना। 100 तो बहुत इजीली टच कर देगा मेरे हिसाब से, तो अभी सेल्फ फीडिंग के ऊपर है। नवंबर एंडिंग तक, दिसंबर स्टार्टिंग तक आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, जरूर। अच्छी डाइट मिलती है तो ठीक है भाई। इसके बाद एक ये सोजत है, इसकी भी डिटेल आप दो। इसका चेहरा इधर करो, आप छोड़ दो, आप पकड़ लो उसको अपने हिसाब से। ये कितने दांतों पे? ये भी भाईजान 4 दांतों पे, अभी 4 दांत पे है, फ्रेश 4 दांत लगा रहा है अभी। अच्छा, ओके। और बकरे में वजन? बकरे में वजन आएगा तकरीबन 80-85 kg। 80-85 किलो। और हाइट इसकी? इसकी हाइट है 38-39 इंच हाइट है। 38 से 39 इंच के बीच में हाइट है। जी ठीक है। और ये बकरा कितने टाइम से है? ये भी भाईजान मेरे को 2 महीने होगा इसको। तो साथ ही खरीदे थे सब? नहीं, सब अलग अलग खरीदे। अलग अलग, बिल्कुल। ये आपको सोजत जाके लेके आए थे क्या वहाँ से? ये मैंने यहीं से अपने जयपुर से लिया हुआ बकरा है। जयपुर से परचेज किया है, क्योंकि जयपुर के अंदर ऐसे बकरे तो माशाल्लाह बहुत मिलते हैं और लोग शौक भी इन्हीं बकरों का करते हैं। जी, वो तो बस हमारे यहाँ एमपी में ही जो है, एमपी का भोपाल के अंदर है बस आंडू बकरों का क्रेज। जी जी, आप तो आते जाते रहते हैं भोपाल। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये बकरा भी सेल के लिए है। प्राइस इसका जो भी है वो कॉल के ऊपर इंशाल्लाह बताएंगे। बकरा छोड़ो, आप इस तरफ दौड़ा दो उसको। माशाल्लाह, इसके बाद एक ये भी सोजत में ही है? जी भाईजान, ये भी सोजत पतिरा मिक्स में है। अच्छा, वाइट आइज में है। खरीदा हुआ बकरा है? जी या? जी, ये खरीदा हुआ बकरा है मेरा, 1 हफ्ता हुआ है इसको, 1-1.5 हफ्ता हुआ है लिए हुए भाईजान। तो आप इसका चेहरा इधर दिखाओ थोड़ा। जी, है तो पूरा गुलाबी है, भी पूरा तर गुलाबी है, वाइट आइज में है, लॉन्ग ईयर है। अच्छा ठीक है, डिटेल क्या है इसकी? डिटेल इसका बॉडी वेट आएगा 65-70 किलो। ठीक है, तकरीबन 37-38 इंची हाइट आएगी। 4 दांत नए लगाए हैं इसने। 4 दांत इसने नए लगाए। ठीक है, छोड़ो आप बकरे को। क्या है, पकड़ने से कभी कभी बकरे इतने काफी हो रही है शादाब भाई, इसलिए बकरे बुरा मान रहे हैं। हाँ, ये है मसला। सही बात है।
तो भाई आप ऐसे बकरे खुले यहाँ छोड़ देते हैं उनको? बिल्कुल भाईजान, खुले रहते हैं बकरे। आपके ये पेड़ वगैरह को नुकसान नहीं पहुँचाते? नहीं, कुछ नुकसान नहीं पहुँचाते। मेरे यहाँ यही चारा है इनका। अच्छा। और इसके अलावा कोई चारा नहीं है मेरा। सही है, तो काफी बड़ा स्पेस है, इस पे आराम से घूमते फिरते रहते हैं। जी जी। जैसे कि ये जो एरिया है, ये आप किस लिए यूज में रखते हो? ये नहीं के चारा पानी के लिए यूज में है, अभी जमीन तैयार कर रहे हैं हम। चारा क्या उगाते हो आप? रंच का। गंज? रंच का और जो जो और गंज। चलो बहुत बढ़िया है, तो चारा भी जो है अपने ही फार्म का। इसमें हमारे राजस्थान में रंच के को हरा चारा जो बोलते हैं, रंच का होता है। अच्छा, रंच का भी बोलते हैं बहुत से? रंच का। ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है भाई, तो अभी प्राइस नहीं बताया, तो कॉल पे आप बता देंगे। जी, आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बता दें। 7823888866। ओके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ शादाब भाई।